सर मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहता हूँ पर रिस्क कम लेना चाहता हूँ। तुम्हें पता है नोकिया ने एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को मना किया था, याहू ने गूगल को परचेज करने से मना किया था। Still, 93-94% Indians are not participating into the equity markets. आपको इन्वेस्ट करना है इक्विटी मार्केट में तो आप उस कैटेगरी के थ्रू सब स्टार्ट करिए जिसमें रिस्क कम है, वो है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इस कैटेगरी के अंदर रिस्क कम होता है। What is balanced advantage fund? Let's discuss. I am Mohit Kunjal from directorsinvestments.com. Through this video, I will brief you about balanced advantage fund, and I will also brief you about a new fund from SBI, which is SBI balanced advantage fund. First of all, please understand what are balanced advantage funds. जैसे कि large cap होता है, mid cap होता है, वैसे ये category है balanced advantage fund. इसके अंदर जो participation है, equity की कितनी है? Equity और arbitrage मिलाके है 65% और debt के अंदर है 35%. और इक्विटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। इक्विटी आर्बिट्राज और डेट का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो फंड मैनेजर सोचता है कि भैया मार्केट बहुत हाई लेवल्स पे है, तो वो क्या करते हैं, इक्विटी से पैसा निकालते हैं, विच इज स्टॉक से पैसा निकालते हैं, और उसको आर्बिट्राज और डेट में शिफ्ट कर देते हैं। और जब मार्केट गिरती है तो वो डेट और आर्बिट्राज से पैसा निकाल के इक्विटी में शिफ्ट करते हैं। Since they are the right people and the right men for this job, they do it in a more systematic way. And the best advantage is कि आपको taxation angle भी नहीं आता। कि आपके पास एक investment है जो कि आपका core portfolio का part है, और एक होता है जो secondary portfolio का part होता है। Balanced advantage fund आपका core portfolio का part रहेगा हमेशा। Balanced advantage fund के अंदर जो आपकी investments रहती हैं, वो रहती हैं long term के लिए, because इसमें volatility as compared to other funds कम होती है, because जो fund manager है वो decide करता है कि अगर equity market high पे है तो उसमें से पैसा निकालो और save कर लो, उसको arbitrage में डाल दो और debt में डाल दो। and जब market गिर रही होती है या गिर चुकी होती है या उनको लगता है कि अभी market के अंदर और juice नहीं है, so वो क्या करते हैं, debt से पैसा निकालते हैं और arbitrage से निकालते हैं और उसको equity में डालते हैं। that's a very wonderful way of making money without exiting. नहीं तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, आप उसमें से एग्जिट करते हैं, फिर दोबारा डालते हैं, वेट करते हैं कि मार्केट गिरेगा। इस केस में बैलेंस एडवांटेज फंड में कैटेगरी में ये सब चीजें नहीं होती। आपको पता 3 अप्रैल 2020 को निफ्टी 50 वाज 8083, 5 अगस्त 2021 निफ्टी 50 वाज 16335, अ गेन ऑफ 102%। कितने लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया और कितने लोग आज तक रुके हैं, जिनको 20-15% का रिटर्न आया उन्होंने उस टाइम पे निकाल लिया। इसलिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहता है फंड मैनेजर के हाथ पे, वो इन्वेस्ट करता है अगर मार्केट डाउन है तो इक्विटीज में, एंड वाइस वर्सा अगर मार्केट अप है तो उसको वो डेट और आर्बिट्राज में शिफ्ट कर देते हैं। Now I will brief you about SBI Balanced Advantage Fund. SBI अपना एक new fund लेके आया है, SBI Balanced Advantage Fund. That's a very good fund. Same concept that they will invest into the equity, arbitrage and debt. SBI Balanced Advantage Fund एक बहुत ही बेहतरीन fund है इस particular category में। आप इस new fund में जरूर invest करिए, ये आपका core portfolio का part रहेगा हमेशा। इस पर्टिकुलर फंड के अंदर जो एडवांटेज है, एक तो टैक्स एफिशिएंसी है, इसमें इक्विटी टैक्सेशन है, ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन रहेगा, आपका इक्विटी में, आर्बिट्राज में और डेट में पैसा रहेगा। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आपका पैसा इंटरनली रोटेट होगा, बाहर आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो जब आप बाहर नहीं निकालेंगे तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। एसबीआई के पास बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो कि इस फंड को मैनेज कर रही है फ्रॉम द इक्विटी साइड एज वेल एज फ्रॉम द डेट साइड। आई पर्सनली रिक्वेस्ट दैट यू शुड कंसीडर इन्वेस्टिंग इनटू एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। हाउएवर ऑल द कंटेंट्स व्हिच आई हैव शेयर्ड इन दिस वीडियो आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.directorsinvestments.com। थैंक यू।